हेलो एवरीवन जय हिंद मैं डॉक्टर प्रशांत जगता फॉर असिस्टेंट कमांडेंट सेंटर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एंड वन ऑफ द टॉप एजुकेटर्स ऑन अन एकेडेमिक प्लेटफॉर्म फॉर सी डी सर्फिकेट एंड सी पी एफ एग्जामिनेशन आई एम ऑल्सो द बेस्ट सेलिंग ऑथर फॉर सी पी एफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन बुक्स फॉर मैग्रोहिल्स पब्लिकेशन मेरे बुक्स अमेजोन और फ्लिपकार्टे अवेलेबल है आप प्रशांत जगताप सर्च कर दोगे तो मेरे सेकेंड एडिशन लेटेस्ट एडिशन आपको मिलेंगे जिसमें ट्वेंटी तक सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिया है पेपर वन का भी बुक है जिसमें एक ही बुक पढ़ के आप सारा रिवीजन कर सकते हो पेपर टू का बुक है जिसमें ट्वेंटी ट्वेंटी क्वेश्चंस के आंसर भी दिए हुए हैं तो आज मैं बात करूंगा कि सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडर का पेपर टू जो है ए से सर्ग्यूमेंट रिपोर्ट प्रेस राइटिंग कॉम्प्रेंशन ग्रामर ये जो दो मार्क का पेपर है इसका टाइम मैनेजमेंट ये बहुत ही चैलेंजिंग इशू आता है बहुत सारे लोगों के साथ मैक्सिमम लोगों का पेपर टू लिख के कंप्लीट ही नहीं हो पाता और वो एवरेज लोगों का अटैम्प्ट एक से एक सौ साठ ही हो, होता है मैं बताना चाहूंगा जो टॉपर्स है बाय लार्ज लगभग सारे के सारे टॉपर्स ने पूरा 200 मार्क का पेपर अटैम्प्ट किया है तो बेसिकली अगर आप एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करना चाहते हो तो आ, पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना आ, बहुत ही जरूरी है और एक्चुअली इम्पॉसिबल टास्क नहीं अगर टॉपर्स कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो तो उसके लिए मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा अभी आ, जून खत्म होने के लिए आया मतलब बाय द एंड ऑफ जून अब तक आपने अगर कोई पेपर टू का एक फुल सिलेबस पेपर सॉल्व किया है तो बाय लार्ज आपका जो पेपर है साढ़े तीन से चार घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए एट अ स्ट्रेच पढ़ाई करते वक्त एट अ स्ट्रेच आंसर लिखते वक्त इससे ज्यादा समय लग रहा है तो आपको बहुत ज्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा लेकिन जुलाई आपके पास एक महीना है जिसमें कम से कम पांच पेपर सॉल्व कीजिएगा फ्री पेपर्स आपको मेरे टेलीग्राम पे भी मिलेंगे अन के ऊपर भी चल रहे हैं तो पेपर जो है वो जब सॉल्व कर रहे हो तो अपने आप को बाइंड कर लीजिए अपने आप को क्लियरली डिफाइन कर लीजिए घड़ी लेके बैठ जाइए कि मैं इतने टाइम में पेपर कवर करूंगा तभी आपका पेपर कवर हो जाएगा सो शुरुआत में अगर आप साढ़े तीन घंटे में ती, एक दस पंद्रह मिनट इधर उधर चल जाएगा लेकिन इवेंचुअली अगर आपको जो आइडियल टाइम मैनेजमेंट कैसे रहता है जो एसेज है हर एक ऐसे के लिए आप 20 मिनट स्पेयर कर सकते हो तो चार ऐसे के 80 मिनट हर एक आर्ग्यूमेंट के लिए आप पंद्रह मिनट स्पेयर कर सकते हो तो दो आर्ग्यूमेंट के 30 मिनट हर एक रिपोर्ट के लिए आप 10 मिनट स्पेयर कर सकते हो तो दो रिपोर्ट के 20 मिनट हर एक रीडिंग कॉम्प्रेंशन एक ही रीडिंग कॉम्परेंशन है उसके लिए पंद्रह मिनट और प्रेसि राइटिंग के लिए पंद्रह मिनट और ग्रामर के लिए दस मिनट टोटल एक मिनट ये हो जाते हैं इसमें ही आपको मैनेज करना पड़ेगा दस मिनट आपके पास स्पेयर या फिर बफर होना चाहिए जहां पे जरूरत पड़ी आपको साइन करना है बाकी सारी चीजों में लगेगा सो यू नीड टू अंडरस्टैंड जब आपने लिखना शुरू कर दिया आपको बीच में बहुत सोच के गैप लेके लिखने के लिए टाइम नहीं मिलेगा सो so जब भी आंसर लिख रहे हो टाइम बचाने के कुछ तरीके मैं आपको बताता हूं ऐसे लिख रहे हो पहले चार से पांच मिनट ब्रेन कीजिए उसमें क्या लिखूंगा ये सोचिए बेसिक फ्रेमवर्क आपके रफ पेज वाला जो है वहां पे बेसिक फ्रेमवर्क बना दीजिए कि इंट्रोडक्शन में ये लिखूंगा बॉडी पार्ट कंक्लूजन ये चीजें लिखूंगा और वही बेसिक फ्रेमवर्क को इम्यूलेट कीजिए आपके आंसर शीट में 15 में में मिनट मिनट आपका ऐसे लिख के आराम से हो जाता है अगर में आपने बेसिक या आइडिया मैपिंग किया तो इस हिसाब से करोगे तो ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं आएगा आपका टाइमली कंप्लीट हो जाएगा अदरवाइज नॉर्मली जो आप करते हो आप लिखना शुरू कर दिए तो फिर बीच में सोचते हो फिर लिखते हो फिर, लिखते हो, फिर सोचते हो इसमें आपके जनरली चार से पांच मिनट ज्यादा जाते हैं आपको एक ऐसे लिखने के लिए आपको चार से पांच मिनट ज्यादा लगेंगे सो हर इसे में आप पांच मिनट बचा के आप पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट कर सकते ये पूरा सेम स्ट्रैटेजी सभी जगह पे अप्लाई होता है रिपोर्ट में भी अप्लाई होगा आर्ग्यूमेंट में भी अप्लाई होगा एज पर एज रीडिंग कॉम्प्रेंशन इज कंसर्न हमेशा क्वेश्चन पहले पढ़िए और आंसर पैसेज बाद में पढ़िए आपका एक रीडिंग बच जाएगा प्रेसी राइटिंग में कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते जाइए और सिर्फ कीवर्ड्स को उठा के प्रेसी राइटिंग कर लीजिए आपका टाइम काफी सारा बच जाएगा ग्रामर को सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिएगा आपका टाइम बच जाएगा तो हर एक क्वेश्चन आप स्टिपुलेटेड टाइम में सॉल्व कर दोगे ना तो आपका टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा अदरवाइज आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा इसके लिए हर बार प्रैक्टिस करते वक्त टाइम के ऊपर पक्का ध्यान कितना टाइम लग रहा है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और नेक्स्ट टाइम अपने आप को टाइट रखिएगा और अपने आप को लूज मत छोड़िए आप क्या करते हो एक ऐसे बहुत अच्छा ऐसे लिख रहा हो चलो पांच मिनट ज्यादा गए तो भी चलेगा ये नहीं करना है ये जो आप अपने आप को जो छूट देते हो इसका जो आदत लग जाता है इससे क्या होता है हर ऐसे में आदत छूट देते जाओगे तो आगे बढ़ जाए एग्जाम में बहुत दिक्कत होगा तो आप अपने आप को पनिश करना शुरू कर दो कि इतने में ही करना है आधा ऐसे छूट गया मेरा जब आपको ये बुरा लगेगा तो अगले टाइम अगली बार जब आप लिखोगे तो आप फास्ट लिखोगे ये करने का आदत डालिए पेपर टू पूरा का पूरा कंप्लीट करना बहुत ही जरूरी है अगर आपको एग्जाम में सर्वाइव होना है तो पिछले साल का मेरिट लिस्ट देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा जितने भी लोग सिलेक्ट हुए हैं उसमें मार्क्स सारे लोग लगभग 85 मार्क्स के आगे है तो पचासी मार्क्स तो आपको लाना ही पड़ेगा पेपर टू में अगर पास होने वाले सारे लोगों को अब तक पचासी मार्क्स आ रहे हैं तो आपको भी लाना ही पड़ेगा सो क्वालिटी आंसर टाइम मैनेजमेंट के साथ करना ही पेपर टू का क्लियर करने का की है ओके थैंक यू वेरी मच जय हिंद